हेलो दोस्तों, नेक जेएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे लोडिंग यूआई। जब हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होंगे तो कुछ मिली सेकेंड के लिए आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता होगा प्लीज वेट या फिर लोडिंग डेटा। तो इस फंक्शनलिटी को हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक जेएस 13 में एक न्यू फाइल कन्वेंशन ऐड किया गया है, लोडिंग यूआई। हम नेक जेएस 13 में बहुत इजीली कर सकते हैं। हम आ गए वीएस कोड में, चलते हैं ऐप फोल्डर में। मैंने ऐप फोल्डर पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए फोल्डर है यूजर। यूजर फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, लोडिंग डॉट टी एस एक्स। मैंने इसको एंटर किया और हम यहाँ पर एक कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर आर ई एफ से और मैंने किया इसको एंटर। तो यहाँ पर ये देखिए एक डिफॉल्ट कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया लोडिंग के नाम से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहला लेटर जो है कि मुझे कैपिटल में लेना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए डॉट, ये देखिए हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट के फोल्डर में। हम आ गए कॉन्टैक्ट के फोल्डर पर। अब यहाँ पर भी एक हमें कंपोनेंट क्रिएट करना होगा लोडिंग के नाम से, लोडिंग डॉट टी एस एक्स। मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पर आर एफ सी और मैंने एंटर किया। ये बाय डिफॉल्ट हमारा एक कंपोनेंट को मैंने सेव किया और यहाँ पर जो फंक्शनल कंपोनेंट है पहला लेटर हमें कैपिटल में लेना होगा लोडिंग, और यहाँ पर देखिए डॉट, मैंने इसको सेव किया। और ऐसे ही हम चलते हैं अबाउट के फोल्डर में। यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लोडिंग, मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने ड्यू लिया हुआ है तो इसमें भी सिमेट्रिक कर देते हैं। मैंने यहाँ पर ड्यू लिया, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक हम क्लास ऐड करेंगे। देखिए अबाउट के फोल्डर में, कॉन्टेक्ट के फोल्डर में, यूजर के फोल्डर में हमने लोडिंग डॉट टी एस एक्स का कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम क्लास ऐड करेंगे टेक्स प्राइमरी, और मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और जहाँ पर मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है लोडिंग वहाँ हम पेस्ट करते चलेंगे। हम आ गए अब यूजर के, हम आ गए यूजर फोल्डर के लोडिंग कंपोनेंट पर, मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम चलते हैं यूआई पर। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद देखिए हम अबाउट पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर लोडिंग का मैसेज आएगा, उसके बाद हमारा कंटेंट आएगा। हम चलते हैं अबाउट पर, मैंने अबाउट पर क्लिक किया, यहाँ पर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। हम चलते हैं कॉन्टेक्ट पर, देखिए यहाँ पर लोडिंग का मैसेज आया, उसके बाद हमारा कंटेंट आया। ऐसे हम चलते हैं यूजर पर, देखिए यहाँ पर लोडिंग का मैसेज आने के बाद हमारा जो है कि ये डेटा जो है कि हमें पेज पर शो हुआ। हम एक बार फिर से क्लिक करते हैं कॉन्टेक्ट पर, देखिए लोडिंग और डेटा। हम एक बार फिर से यूजर पर क्लिक करते हैं, देखिए लोडिंग उसके बाद डेटा, लेकिन पेज पर वर्क नहीं कर रहा है। तो हम चल के देखते हैं इसमें क्या इशू है। हम चलते हैं अबाउट के फोल्डर में और यहाँ पर देखिए लोडिंग, हमारा लोडिंग और सॉरी यहाँ पर देखिए फाइल नेम जो है कि यहाँ पर रॉन्ग है, तो मैंने एल ओ यहाँ पर ए होगा और इसको हमने किया एंटर। जो फाइल का नेम था वो रॉन्ग था। अब हमने कर दिया लोडिंग डॉट टी एस एक्स, अब यहाँ पर परफेक्ट है। अब हम चलते हैं यूआई पर, देखते हैं अब अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोडिंग डेटा का मैसेज हमें देखने को मिलेगा। हम चलते हैं यूआई पर, एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं। हम अबाउट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए मैसेज आया था अभी, फिर उसके बाद हमारा कंटेंट आया। हम चलते हैं कॉन्टेक्ट पर, यहाँ पर देखिए लोडिंग और कंटेंट। हम फिर चलते हैं यूजर पर, फिर लोडिंग और फिर हमारा डेटा शो हुआ। अब हम चलते हैं अबाउट पर, देखिए लोडिंग, फिर हमारा जो है कि कंटेंट आया है। हमारा लोडिंग वाला फंक्शनलिटी यहाँ पर तीनों पेज पर ऐड हो गया है। जब हम अबाउट पर चल रहे हैं तो देखिए यहाँ टाइटल बार में अबाउट और नेक्स्ट जे एस 13 ट्यूटोरियल। ऐसे हम चलते हैं कॉन्टेक्ट पर, हमारा कॉन्टेक्ट और हाइफन नेक्स्ट जे एस 13 ट्यूटोरियल। लेकिन जब हम यूजर पर चलते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं हो रहा है, उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। हम आ गए यूजर के फोल्डर में, यूजर के फोल्डर में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे
डॉट पी एस एक्स, मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने अबाउट और कॉन्टेक्ट में ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैं यहाँ से इतना कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जो यूजर में जो हमने हेड कंपोनेंट क्रिएट किया, हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। और जो टाइटल आ रहा है इसको हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ कॉन्टेक्ट है इसको हम कर देंगे यूजर डेटा लिस्टिंग। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब हम चलते हैं यूआई पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश होने के बाद हम चलते हैं अबाउट पर, हम आ गए अबाउट पर। देखिए हमारा टाइटल हमारा चेंज हो रहा है। और हम चलते हैं कॉन्टेक्ट पर, कॉन्टेक्ट अस, और उसके बाद नेक्स्ट जीएस 13 ट्यूटोरियल। ऐसे हम चलते हैं यूजर पर, देखिए यहाँ पर टाइटल बार में आ गया यूजर डेटा लिस्टिंग। तो हमें क्या करना है कि जब भी आप फोल्डर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हेड लेआउट लोडिंग और पेज डॉट टी एस एक्स को क्रिएट करेंगे। तो आपने देखा इस वीडियो में हमें लोडिंग यूआई कैसे यूज़ करना है। तो एक बार हम चलते हैं यूआई पर, हम आ गए अबाउट पर, यहाँ पर लोडिंग, ऐसे हमने कॉन्टेक्ट, और फिर हम चलते हैं यूजर पे। तो आपने देखा कि हम लोडिंग यूआई कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।